30 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार पूजा शुरू हुई। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर वाराणसी जिला प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन ने 31 जनवरी देर रात बैरिकेडिंग हटवाई और रात करीब 2 बजे व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाई गई। रात की पूजा के बाद 1 फरवरी की सुबह मंगला आरती भी हुई। पूजा शुरू होने के बाद लोगों में उत्साह देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में 31 साल पहले जो काली चादर डाली गई थी अब उसे हटा दिया गया है। अब दर्शनार्थी सबसे पहले तहखाना का दर्शन करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी गेट पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। बता दें कि कोर्ट ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में मौजूद तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी। उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका। कई जगह से कहा जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, 7 दिन की बात हो रही थी लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका मिला, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। खुशी है कितने सालों बाद? हाँ नहीं, बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। How do you see this for the present situation in Jnanavapi in the temple? How do you see this? This is a very very important order and let me tell you that in compliance of the orders of the Honorable District Court of Varanasi passed yesterday, the district administration and the state government has complied with that orders and the current situation is that the barricading has been, alternate amendments had been made in the barricading, gate has been made and daily puja has started in the Vyas Parivar Taikhana. Some people are saying that was a quick decision, you know, after the order. How do you respond to that? It was very quick for one state government to stop the puja and so it is very quick for another state government to comply with the orders of the court.